प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराकर सनातन धर्म का अनादर हुआ है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब कांग्रेसी नेता इस्तीफा सौंप चुके हैं प्राण प्रतिष्ठा के न्योता को ठुकराने पर। तीन दिन से सुन रहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो नहीं जा रहा, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इसका मैंने बहुत गहनता से मेरे अंतःकरण से विचार किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, हमारे सनातन धर्म का एक 550 साल से जो लंबित था मामला, उसको बड़ा पुण्य अवसर आया है जिसमें रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, उसमें इनको जाना चाहिए। अब मैं ऐसे दल में काम कर रहा हूँ जो सनातन धर्म के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं, तो मेरे अंतःकरण ने जवाब दिया कि मुझे ऐसे दल में काम नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा मन बड़ा आहत हुआ, दुखी हुआ, इस कारण से मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद देवड़ा पर प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान सामने आया है, राम मंदिर का न्योता ठुकराने का नुकसान उन्होंने बताया कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा। और इसको लेकर अब प्रमोद कृष्णम का बयान है, राम मंदिर का न्योता ठुकराने का ये नुकसान है। उन्होंने मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे पर ये बयान दिया कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने का ही ये नतीजा है, ये नुकसान है। का जाना बहुत दुखद और अफसोसजनक है और भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है जी। तो मुझे लगता है कि भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बगावत पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराया है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता उनको ठुकराएगी। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की माने तो जो सनातनी होगा वो इस तरह कांग्रेस का दामन छोड़कर जाएगा। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के आमंत्रण को ठुकरा दिया है। हालांकि उन्होंने अपने सौभाग्य को ठुकरा दिया है, परंतु ये वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को चुनौती देने के लिए एक बहुत बड़ी वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में उतारी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम की हमेशा खिलाफत की है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे। ये वही लोग हैं जो राम सेतु तोड़ने की बात करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जी के प्रत्येक श्रद्धा चिन्हों को मिटा देना चाहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं, ये इनका दुर्भाग्य है। और जिस प्रकार से इन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया है, 2024 में देश की जनता इन्हें ठुकराएगी। कोरबा से आपको हम खबर बता रहे हैं जहां पर गौठान पर गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है कि नई आर्थिक गतिविधियां संचालित होंगी, एनटीपीसी बालकों के सहयोग से रोजगार दिया जाएगा, मुर्गी पालन दूध उत्पादन को बढ़ाएंगे छत्तीसगढ़ में। अपने 3 दिवसीय कोरबा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गौठान को लेकर बोले हैं, कहा है गौठान में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने यहां नई आर्थिक गतिविधियां संचालित करने की दिशा में प्रयास करने के संबंध में सुझाव दिए और एनटीपीसी और बालको के सहयोग से आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मुर्गी पालन दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और स्व सहायता समूह की दीदियों को लखपति दीदी बनाने के संबंध में भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के आह्वान के बाद देश के साथ ही मध्य प्रदेश के मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान जारी है। उज्जैन के अंकपत में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता अभियान चलाया। राम जनार्दन मंदिर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा अर्चना के साथ मंदिर परिसर में सफाई भी की।
तो पीएम मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश के मंदिरों में स्वच्छता अभियान बीजेपी चला रही है और इसी कड़ी में उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में पूजन अर्चन किया, राम जनार्दन मंदिर में पूजन अर्चन किया और उसके बाद साफ सफाई भी की, झाड़ू लगाते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और बीजेपी के सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। और इसी तरह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ सफाई की। सीएम मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर पहुंचे और उन्होंने साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्यमंत्री साय ने भगवान श्री राम माता जानकी की विधि विधान से पूजा की और इस मौके पर सीएम साय के साथ सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई करने का आह्वान किया है। मंदिरों में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत भोपाल में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने छोला के हनुमान मंदिर में साफ सफाई की। विश्वास सारंग के साथ बड़ी संख्या में लोग भी शामिल थे। मंत्री विश्वास सारंग की माने तो जिस तरह हम दीपावली के पहले घरों की सफाई करते हैं ठीक उसी तरह अब धार्मिक स्थलों की सफाई करेंगे। बाईस तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देश के जो मंदिर हैं उस जो भी है उन पर साफ सफाई के का आग्रह है आम लोगों से और जनप्रतिनिधियों से किया था। और आप देख सकते हैं उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार के खेल युवा एवं कल्याण मंत्री विश्वास सारंग जो है वो छोला हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और जो साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। तो तमाम जो 22 तारीख तक जिस तरह के अभियान चलाए जाने वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी का आह्वान और उसके बाद पूरा देश न केवल जनप्रतिनिधि आम लोग भी इसमें अभियान, देखिए यही तो हमारे प्रधानमंत्री जी की के प्रति जनता की स्वीकारोक्ति और समाज की स्वीकारोक्ति है कि उनके आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। और ये बात बहुत सही है कि स्वच्छ तीर्थ हमें बनाना है, वो मंदिर वो मठ जिनमें हम पूजा करते हैं अर्चना करते हैं उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। अब अयोध्या में श्री राम विराजमान होने वाले हैं, हम दीपोत्सव मना रहे हैं, जैसे हम अपने घरों की सफाई करते हैं ऐसे हम मंदिरों की सफाई करें और इसीलिए अभियान चल रहा है और जनता भी लगी है, हम सब भी लगे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे मंदिर और मठ पूरी तरह स्वच्छ रहे। 22 तारीख तक या फिर उसके आगे भी? पूरे आगे हमने ये निश्चित किया है कि आगे भी ये जिम्मेदारी हम सब निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्वास सारंग जी का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि जब भी वो कोई आह्वान करते हैं तो न केवल जनप्रतिनिधि पार्टी के लोग बल्कि जो आम लोग हैं उस अभियान को अपने हाथ में ले लेते हैं। न केवल ये 22 तारीख तक बल्कि आने वाले समय में ये निरंतर जो है वो प्रक्रिया चलेगी। आप देख सकते हैं कि छोला मंदिर के अंदर जो है वो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि तो है ही है बल्कि आम जो लोग हैं जो मंदिर में नियमित आते हैं वो सभी के सभी जो लोग हैं वो लगातार मंदिरों की पूजा की जो साफ सफाई है उसमें जुटे। राजधानी भोपाल में भी तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने इलाके के मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। जतावर के साथ सैलेंसी न्यूज टीम भोपाल। और इसी कड़ी में ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंदिर में साफ सफाई की। मंदिर में पोंछा लगाते हुए वो नजर आए। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने हनुमान मंदिर में पोंछा लगाया है। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी के सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में मंदिरों की साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी हनुमान मंदिर में साफ सफाई की, पोंछा लगाते हुए वो नजर आए। हम सबने किले के ऊपर स्थित शीतला माता मंदिर में और हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा थोड़ा सफाई करने का सौभाग्य ईश्वर ने दिया, इसके लिए मैं परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और अपने सभी साथियों से और आम जन से आग्रह करता हूँ कि 22 तारीख को हमारी स्वयं की गली, हमारी स्वयं की कॉलोनी अयोध्या की तरह सजे और ये सोचें कि उस अयोध्या नगरी में भगवान राम हमारी आत्मा में रहते हैं, उसके अनुसरण हम आचरण करने की कोशिश करें।
भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी स्वच्छता अभियान में मंदिर की सफाई की। पीएम मोदी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं के साथ साफ सफाई की। चार इमली स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई करते हुए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा नजर आए। तो पीएम मोदी की अपील पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है। भोपाल के गुफा मंदिर में महापौर मालती राय ने सफाई मित्रों के साथ मंदिर की सफाई की। कार्यक्रम में नगर निगम कमिश्नर सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। आज भोपाल नगर निगम के माध्यम से भोपाल नगर निगम के समस्त अधिकारी कमिश्नर सहित समस्त एडीसी नगर निगम के कर्मचारी हमारे एमआईसी सदस्य पार्षद सभी ने मिलकर गुफा मंदिर के नीचे जो हनुमान मंदिर है हमने हनुमान मंदिर पर आज सफाई अभियान किया है और भोपाल की जनता को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देती हूं और जनता से अपील भी करती हूं कि हम जब पूजा करने जाते हैं जिस मंदिर में भी हम पूजा करने जाते हैं यदि हम एक दिन एक छोड़कर और उस मंदिर की सफाई करेंगे तो निश्चित ही हमें उस धर्म का लाभ भी मिलेगा और मंदिर भी सफाई होगी। बड़ी खबर बिलासपुर से जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिलासपुर में धरती कांपी है भूकंप के झटकों से। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 रही। बड़ी खबर बिलासपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 3.1। बिलासपुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए लोगों ने। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता रही भूकंप की 3.1 तीव्रता का भूकंप बिलासपुर में आया है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए, ये अमरकंटक की पहाड़ी है, श्रृंखला है, उससे लुप्ता और गमदिया जदी गांव का जो गांव है उसके बीच 3.1 है रिक्टर पैमाने पर यह दर्ज किया गया है और 22.53 नॉर्थ अक्षांश है, देशांत है 82.15 जो ईस्ट पर ये दर्ज किया गया है। गहराई लगभग 5 किलोमीटर इसकी आती गई है, रिक्टर पैमाने में दर्ज किया गया है और इसका जो तीव्रता है 3.1 दर्ज किया गया है। हालांकि हल्के भूकंप के झटके हैं, कुछ सेकेंडों के लिए के आया था लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है उस पर भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। बीते वर्ष जो कोरिया है, सरगुजा है, उन क्षेत्रों पर भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और चूंकि ये ऑरेंज जो बेल्ट इसे माना जाता है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, कुछ बेल्ट ऐसे हैं जो रेड जोन में भी आते हैं और इसके कई वजह हो सकते हैं लेकिन फिलहाल एक बार फिर से साल के पहले दिन में धरती अगर डोली है, भूकंप के महसूस झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल था। फिलहाल किसी तरह के धन और जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। जी युगल, बहुत शुक्रिया आपका।